गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे हैज को कैसे यूज किया जाए, उसको किस जगह पर यूज किया जाता है। और अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप सीख पाएंगे कि हैज को प्रॉपरली इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन में किस तरीके से आसानी से यूज किया जाता है। दोस्तों, आप में से जो लोग रेगुलरली चैनल को वॉच कर रहे हैं, इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर को यूज कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे ग्रामर को यूज किया जाए बिना टेंसेस के, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कई लोग यहाँ पर ये सोचते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं 30 दिन से चैनल वॉच कर रहा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं हो रही, या मैं अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं कैसे अच्छी इंग्लिश बोलना सीखूंगा। और कभी कभी तो हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर भी करने लगते हैं। दोस्तों, ये सोचते हैं मेरा दोस्त, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसकी दीदी कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, उसके चाचा कितने अच्छे इंग्लिश के स्पीकर हैं। हम इस तरह से अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप अपनी तुलना किसी और से ना करें, क्यों? आप दुनिया में सबसे खास हैं। क्या है? खास, और सबसे अनोखे हैं। तो आप अपनी तुलना किसी और से ना करें। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपके अंदर स्किल्स है, वो किसी दूसरे में नहीं है, और जो दूसरे के अंदर टैलेंट और स्किल्स है वो आपके अंदर नहीं है। तो इसीलिए प्लीज आप अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों, बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी लाइन बताई है कि अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। कोई और आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा है, आप खुद अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश की जो रही बात, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो देखो आएगी, प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। प्रॉब्लम्स हमारे लिए मजबूत बनाती है और हमें इतना एक्टिव कर देती है कि आने वाले टाइम में हम अपने काम को, अपने वर्क को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को आसानी से रन करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं स्मार्ट तरीके से। प्रॉब्लम्स हमें ये सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। तो आप इन चीजों की चिंता ना करें, आप अपने पूरे कोर्स पर फोकस करें। आज हमारा ये बेसिक कोर्स जो है वो कम्प्लीट होने जा रहा है और आगे की जो क्लासेस है, बेसिक कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम रैपिड क्लासेस पर वर्क करेंगे। डियर, जिन लोगों ने हमारा ये चैनल पूरा 30 डेज का वॉच किया है, उनको वो रैपिड क्लास में ये फर्क नजर आएगा कि हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। वो सीख पाएंगे कि करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर कहाँ पर हमें करना है, वो वोकैबुलरी को स्मार्ट तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। तो इन रैपिड क्लासेस को अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं तो आप इन सब चीजों में अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, आप कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे, और ग्रामर तो आप डेली लर्न कर ही रहे हैं। तो इन सब चीजों को लर्न करने के लिए इस चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहें, आप सीख पाएंगे अपनी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी को कैसे बेटर करें। हम यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कई बार लोग कहते हैं इसको कैसे सीखा जाए, ये कैसे हमारे अंदर डेवलप हो। दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई एक बड़ा कोर्स नहीं, कम्युनिकेशन का कोई अलग से कोर्स नहीं किया जाता। कम्युनिकेशन हम लोगों से डिस्कस करते वक्त सीखते हैं, कितने स्मार्ट तरीके से, कितने इजी वे में हम बात कर रहे हैं लोगों से, अपनी बात कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन से आप सीखेंगे लोगों को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करें, उन्हें कैसे इम्प्रेस करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दिन आपको बेहतर कम्युनिकेशन करना आ गया, आप सबसे अच्छी बात यह सीखेंगे कि लोगों को सेटिस्फाई कैसे करें। और दोस्तों, जिस दिन आप लोगों को सेटिस्फाई करना सीख गए, आप उस दिन दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन जाएंगे। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनने के लिए आपको ये कला अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ये कला जिस दिन आप सीख गए, उस दिन आप दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में सबसे टॉप पर होंगे। तो इस काम को करने के लिए थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। आप कम्युनिकेशन को धीरे धीरे डेवलप करते जाइएगा। कैसे? सोचिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर ये मार्कर मैं लेकर आता हूँ, इस मार्कर को देखकर आपके मन में क्या विचार बनते हैं, आप क्या सोचते हैं इस मार्कर को? मान लीजिए मैं अभी 30 दिन की क्लासेस से और इस मार्कर को यूज कर रहा हूँ, या मैं पहली बार इस मार्कर को क्लास में लाया। आप सपोज कर लें फर्स्ट डे इस मार्कर को मैं क्लास में, तो आप मुझसे तो 30 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन मार्कर से पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, या ये मार्कर आपके लिए पहले दिन क्लास में मिला, तो आप इसके लिए
क्या फील करेंगे। अब कम्युनिकेशन की बात आती है, अगर आप मुझसे रोज मिलते हैं और मैं अगर कोई चीज नई लेकर आया, वो कैसी भी हो दोस्तों, कम्युनिकेशन ये कहता है कि किसी इंसान के पास कोई चीज आई है या वो लेकर आया या उसके पास जो चीज है वो अच्छी दिख रही है, और जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप उस चीज की तारीफ करना कभी ना भूलें। ये कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट रूल है कि आप उस चीज की तारीफ करें। और अगर आपको इस मार्कर की तारीफ करना है कि सर ये मार्कर अच्छा है, मतलब सुंदर दिख रहा है, अच्छा है, और जब आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज बोलना है कि ये मार्कर सुंदर है, किसी चीज की तारीफ करना हो तो कैसे इंग्लिश में करेंगे ये बोलना सीख जाइएगा। इट लुक्स नाइस, कैसे बोलेंगे, इट लुक्स नाइस। आज से जब भी आप अपने दोस्तों से मिले, उनके घर जाएं, अगर आपको उनके घर पर एक स्मार्ट टीवी नजर आता है और आपने देखा कितना खूबसूरत टीवी है, तो वहीं पर आप उस टीवी की तारीफ करें, इट लुक्स नाइस। अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने एक महीने बाद कोई नई बाइक खरीदी और आपको दिखने में वो बाइक अच्छी लग रही है, तो दोस्तों आप यहाँ पर इस कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। उस दोस्त के सामने आप बोलिएगा कि आपकी बाइक सुंदर दिख रही है, इट लुक्स नाइस। जब आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। ये कम्युनिकेशन के कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आप आगे की क्लासेस में, सीनियर लेवल की क्लासेस में भी आप सीखते जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो को रेगुलरली पूरा वॉच करें। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते जाते हैं, इसीलिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स, स्मार्ट वोकैबुलरी, इन सब चीजों को नहीं सीख पाते हैं। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आप ऐसा ना करें, आप वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि जितनी छोटी छोटी कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं वो आप सीख सकें। इंग्लिश को बेहतर करने के लिए आपको दो चीजों पर काम करना होगा। सबसे पहले तो ये कि आपको ये देखना पड़ेगा आपके आसपास जो सुबह दोपहर शाम तक क्या हो रहा है, और उस काम को जो हो रहा है कौन कर रहा है। और जिस दिन आप इस चीज पर काम करने लगे, मतलब आपको अटेंटिव होने की जरूरत है, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं, इस समय आप क्या कर रहे हैं, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। और जो एक आपकी प्रॉब्लम बेसिकली है सभी की, उस प्रॉब्लम को भी मैं समझता हूं कि आप ये सोचते हैं सर हमारे पास शब्द नहीं है, हम शब्दों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कोई बात नहीं, आज से जो आप क्लासेस रेगुलरली वॉच करेंगे उसमें आप न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे, स्मार्ट वोकैबुलरी का यूज करना सीखेंगे। आज पूरे वीडियो में हम आपको किचन से संबंधित कौन कौन से वर्ड्स आवश्यक है वो सिखाएंगे, और भी नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे। तो आप इन चीजों की चिंता मत करें कि आपकी प्रॉब्लम में वर्ड्स आ रहे हैं, ग्रामर आ रही है, चिंता मत करें। आप धीरे धीरे आप वीडियो को देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा। कॉफी बनाने को दोस्तों बोलते हैं मेक कॉफी, लेकिन कॉफी बनाने का भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक उपकरण आता है, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं कॉफी मेकर। क्या बोलते हैं, कॉफी मेकर। दोस्तों आजकल तो आपको मालूम है कई प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं, कई प्रकार के गैजेट्स आने लगे हैं जो आपकी और हमारी लाइफ को आसान बना चुके हैं और बना रहे हैं। हालांकि वो हमारी लाइफ में थोड़े से डेंजरस है, थोड़े से निगेटिव है, थोड़े से हमारे लिए रिस्की है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम पॉजिटिव होकर उनका यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं और करेंगे। जो पानी को शुद्ध करने वाला उपकरण होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं वाटर प्यूरिफायर। क्या बोलते हैं, वाटर प्यूरिफायर। किचन में अगर हम चलते हैं तो किचन के छोटे छोटे आइटम्स देखते हैं। आजकल आपने एक चीज नोट की होगी, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट या होटल या कोई ढाबा या कोई भी ऐसी चीज जहां पर खाना बनाया जाता है, होटल में या कहीं भी जगह पर, तो आपने देखा होगा शेफ लोग आजकल क्या करते हैं, किसी भी चीज को फ्राई करते हैं या तलते हैं तो वो एक बास्केट का यूज करते हैं। जैसे वो पापड़ तलते हैं या कोई भी और चीज फ्राई करते हैं तो उसके लिए वो बास्केट का यूज करते हैं, और जो वो बास्केट रहती है उससे डियर पूरा ऑयल उनका कंटेनर में ही रहता है और वो चीज फ्राई होकर बाहर निकलती है। तो उस बास्केट को इंग्लिश में बोलते हैं शेफ बास्केट। दोस्तों ऐसी कोई चीज जो मेरे पास है, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीज मेरे पास है, जैसे मेरे पास एक स्मार्ट टीवी है, और अगर मुझे बताना है इंग्लिश में कि मेरे पास एक स्मार्ट टीवी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, सुन लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई हैव गॉट अ स्मार्ट टीवी। दोस्तों अगर आप कार की बात करें कि कार है आपके पास, तो दोस्तों मेरे पास कार नहीं है,
क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं कार ले लूं। हाँ, फ्यूचर में मैं कमाऊंगा तब ले सकता हूँ, अभी अगर प्रेजेंट की बात करूं तो मेरे पास कार नहीं है और मुझे बताना है आपको कि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो कैसे बताएंगे? आई हैवंट गॉट, और गॉट के बाद दोस्तों उस चीज का नाम बोल देंगे। अगर मुझे बोलना है मेरे पास कार नहीं है तो मैं सिंपल बोल दूंगा आई हैवंट गॉट अ कार। लेकिन अगर दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार मेरे अंकल के पास है, कार मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि कार मेरे अंकल के पास है, और मुझे ये बताना है कि मैं थर्ड पर्सन के विषय में बोल रहा हूँ कि थर्ड पर्सन के पास ये चीज है। दोस्तों जब कोई चीज थर्ड पर्सन के पास हो तो कैसे बोलेंगे सीख लीजिएगा। आपको अगर मुझे ये बोलना है कि कार मेरे अंकल के पास है तो बोलेंगे ही हैज गॉट अ कार, या इस सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ। प्राइमरी लेवल पे अगर जाऊं, मैं बहुत जूनियर लेवल पर जाऊं तो मैं किस तरीके से बोलूं, माय अंकल हैज गॉट अ कार। लेकिन दोस्तों लेकिन अगर मैं स्मार्ट इंग्लिश को यूज कर रहा हूं कि मुझे और स्मार्ट बनना है इंग्लिश बोलते वक्त, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही हैज गॉट अ कार। तो अगर मुझे ये बोलना कि मेरे अंकल के पास कंप्यूटर नहीं है, अब हर चीज तो अंकल के पास अवेलेबल नहीं होगी, तो अगर मुझे ये बताना है कि अंकल के पास कंप्यूटर नहीं है, तो अगर कोई चीज थर्ड पर्सन के पास नहीं है तो किस तरीके से बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीख लीजिएगा। ही हैज में अगर दोस्तों मैं नॉट लगाऊंगा तो आपको मालूम है जब हैज में नॉट लगाया जाता है तो कौन सा साउंड सुनाई देता है, हैजंट। तो मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि मेरे अंकल के पास कंप्यूटर नहीं है, ही हैजंट गॉट अ कंप्यूटर। दोस्तों एक प्रिंटर है, प्रिंटर से बहुत सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रिंट करके निकाल लेते हैं, कलर मल्टी कलर में भी कई चीजें हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ऐसा यंत्र जिससे चीजें हम कलर के ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रिंट कर लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंटर। दोस्तों अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर आपके बॉस के पास प्रिंटर है क्या, देखिए आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरे पास प्रिंटर है तो आपको ऑलरेडी मालूम है हम किस तरीके से पूछते हैं, किसका यूज करते हैं, सामने वाले से जो आपसे बात करता है, जो आपका लिसनर है जिससे आप बात कर रहे हैं वो हमेशा आपके लिए रहता है यू, और यू से जब भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें कि आपके पास कोई चीज है, जैसे आप मुझसे पूछना चाहें कि सर आपके पास प्रिंटर है तो आप कैसे पूछेंगे, ये प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं। और अगर आपको जैसे पूछ रहे हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं सर आपके पास प्रिंटर है, कैसे पूछें, हैव यू गॉट अ प्रिंटर। दोस्तों अगर मेरे पास प्रिंटर है मुझे आंसर देना है कि हाँ मेरे पास प्रिंटर है, बोलेंगे यस आई हैव गॉट अ प्रिंटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं कि मेरे पास प्रिंटर है, आप यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं कि मेरे बॉस, मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पर्सन के पास वो चीज है या नहीं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, अगर ये पूछना चाहते हैं कि थर्ड पर्सन के पास ये चीज अवेलेबल है या नहीं है, तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में। अब थर्ड पर्सन के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि हम हैज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैज। अगर मुझे पूछना है कि आपके बॉस के पास प्रिंटर है तो कैसे पूछेंगे, हैज योर बॉस, कैसे पूछेंगे, हैज योर बॉस गॉट अ प्रिंटर। और दोस्तों अगर मुझे ये बताना है कि हाँ मेरे बॉस के पास प्रिंटर है तो मैं इसको आंसर कैसे दूंगा, इसका आंसर तो सुन लीजिएगा आप, यस अगर बॉस के पास प्रिंटर है तो कैसे बताएंगे, यस ही हैज गॉट अ प्रिंटर। तो ये मेरा आंसर हुआ कि मेरे बॉस के पास प्रिंटर है। दोस्तों अगर यहीं पर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर किचन में आपकी मम्मी के पास कॉफी मेकर है क्या, अब यहाँ पर दोस्तों आप मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन किसके विषय में, मेरी मम्मी के विषय में, आप क्या जानना चाहते हैं, कॉफी मेकर के बारे में कि मेरी मम्मी के पास कॉफी मेकर है या नहीं। तो आप क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे ये आप सीख चुके हैं, थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है कि इसके पास ये चीज है तो क्वेश्चन किससे बनाते हैं, हैज से। तो आज से आप भी जब भी किसी व्यक्ति से बात करें और थर्ड पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं कि उसके पास ये चीज है तो क्वेश्चन हैज से बनाएंगे। तो अभी हम कॉफी मेकर के बारे में पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, हैज योर मदर गॉट अ कॉफी मेकर, कैसे पूछेंगे, हैज योर मदर गॉट अ कॉफी मेकर।
दोस्तों अगर मेरी मम्मी के पास कॉफी मेकर नहीं है, मुझे बताना है कि कॉफी मेकर जैसी चीज मेरे मम्मी के पास नहीं है, तो हम नहीं में आंसर दे देंगे। और नहीं में आंसर देंगे तो याद रखिएगा, हम नॉट का यूज करते हैं। और नॉट का जब यूज करते हैं तो चाहे वो है वो या हैज हो, जब हम नॉट का यूज करते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देता है। हैव में जब नॉट लगाते हैं तो सुनाई देता है हैवंट, और जब हैज में नॉट लगाया जाता है तो सुनाई देता है हैजंट। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मेरी मम्मी के पास कॉफी मेकर नहीं है, तो मैं बोलूँ नो शी हैजंट गॉट अ कॉफी मेकर। और अगर दोस्तों मुझे बताना है कि उनके पास कॉफी मेकर है, मैं सिंपल बोल दूंगा, आंसर यस में दूंगा, यस शी हैज गॉट अ कॉफी मेकर। तो दोस्तों इस तरीके से हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं कि उसके पास कोई ये चीज है या नहीं। कई लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए जो गन रखते हैं वो छोटी सी होती है, उस गन को इंग्लिश में बोला जाता है गन। लेकिन कई लोग एक अलग प्रकार की एक गन आती है उसको यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल। और जो आपने देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो पुलिस के लोग रहते हैं उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन के लिए या पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गन दिया जाता है बड़ा वाला, जिसमें दो नलियां लगी होती है, उस गन का नाम है डबल बैरल गन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? डबल बैरल गन। अब दोस्तों मुझे आपसे पूछना है कि आपके पापा के पास गन है क्या, तो मैं कैसे आपसे क्वेश्चन करूंगा, कैसे आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछूंगा? तो देखिएगा, हैज योर फादर गॉट अ डबल बैरल गन? दोस्तों अगर आप आंसर देना चाहते हैं, देखिए अब आपके पास दोनों ही तरीके हैं आंसर देने के, आप चाहे तो यस में आंसर दे सकते हैं और आप चाहे तो नो में आंसर दे सकते हैं। और आप यस में आंसर कब दें? जब वो चीज आपके पापा के पास हो। अगर आपके पापा के पास डबल बैरल गन है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं यस ही हैज गॉट अ डबल बैरल गन। और अगर उनके पास डबल बैरल गन नहीं है तो आप नहीं में आंसर दे सकते हैं नो ही हैजंट गॉट अ डबल बैरल गन। दोस्तों आज लाइफ इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि बड़े से बड़े काम छोटे छोटे समय में हो जाते हैं, एक एक दो दो घंटे के काम पांच पांच दस दस मिनट में हो जाते हैं। अब किचन में ही देख लीजिए आप, आलू प्याज टमाटर इन सबको काटने में जो घंटों का समय लगता था, आज ये एक मशीन एक यंत्र के द्वारा पांच पांच दस दस मिनट में ढेरों सारे काट लिए जाते हैं। दोस्तों जो किचन में सब्जी को काटने के लिए उपकरण यूज किया जाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल चॉपर। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल चॉपर। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरी मम्मी के पास वेजिटेबल चॉपर है क्या, तो कैसे पूछेंगे? हैज योर मदर गॉट अ वेजिटेबल चॉपर? दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल नहीं बोलना है आपको, उसका सही उच्चारण आप फिर से सुन लीजिएगा, वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल चॉपर नहीं बोलना है। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और इसको इम्प्रूव कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे बोलना है हाँ ये वाला यंत्र जो है, ये उपकरण जो है वो मेरी मम्मी के पास किचन में अवेलेबल है, मतलब उनके पास ये चीज है, तो मैं बिल्कुल आंसर दूंगा यस में, यस शी हैज गॉट अ वेजिटेबल चॉपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।